Hello everyone. First of all, good evening to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ जेएनके के रिलेटेड एक और वीडियो के बारे में. इस वीडियो के अंदर हम टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. अगर आप जेकेएसएसबी के पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेके पी कॉन्स्टेबल की कर रहे हैं, जूडियर असिस्टेंट की कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं या जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं. ये पी वाई क्यू आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर. तो जहाँ पे आज हम जो है 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप वीडियो के एंड में मुझे बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं. अगर आपके 20 में से 16 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं, तो आपकी जो है तैयारी जो है ज्योग्राफी ऑफ जेएनके की, अगर टॉपिक की बात करें, तो आपकी अच्छी खासी पकड़ आपकी जो है ज्योग्राफी ऑफ जेएनके की आपको देखने को मिलेगी. तो ज्योग्राफी ऑफ जेएनके का जो हमारा, इससे पहले हमने 2-3 वीडियोज अपलोड किए थे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जहाँ पे आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा, जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे साथ साथ में आंसर जरूर करते जाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएनके. ये क्वेश्चन जो है ये केएसएसपी के एग्जाम में पूछा गया है. तो जहाँ पे आपने बताना है इसमें से कौन सा जो है कंजर्वेशन रिजर्व जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है. पनियार है, उसके बाद खानागुंड है, ब्रेन निषाद है या खीरम है. किस जिसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर रहने वाला है. तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा, आंसर आपका डी बनेगा. खीरम इसका राइट आंसर है, आंसर आपका डी बनेगा. ये क्वेश्चन जी केएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया, एक बार नहीं 2-3 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है. तो खीरम इसका राइट आंसर है, आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का. जी आप देख सकते हैं खीरम एक विलेज है जहाँ पे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएनके यूटी में. क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन 2 से लेके 3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है जेकेएसएसपी के, जहां पे बताया गया कि जम्मू रीजन कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स. जम्मू रीजन के अंदर कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ओनली 1 है या 2 है. कीजिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए. सो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जहां पे आंसर रहने वाला है, आंसर आपका बनेगा डी, 2. तो जी आपको याद रखना है जम्मू रीजन के अंदर जो है मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन है वो कितने हैं, 2 जोन्स हैं. अब यहाँ पे देख सकते हैं जम्मू रीजन कंप्राइजेज ऑफ 2 मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स. जो आपको इनके जोन के नाम भी पता होना चाहिए, सबसे पहले जो है इसको बोलते हैं हम लो एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन, और सेकंड की बात करें तो इसको बोलेंगे मिड टू हाई इंटरमीडिएट जोन. ये 2 जोन है, ठीक है, जो आपको याद रखना है कि 2 मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जम्मू रीजन के अंदर, ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा. क्वेश्चन नंबर 3, सिंध नाला या नाला सिंध, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है. ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जे के एस एस पी के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है, सिंध नाला या नाला सिंध जो है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है. जेलम की है, चिनाब की है, रावी की है या टोंस की है. कीजिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, 3 का आंसर कीजिए. 3 का क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा ए, जेलम रिवर. ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है सिंध नाला या नाला सिंध. जहाँ पे देख सकते हैं जी कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नाला सिंध, और सिंध नाला जो है एक मेजर ट्रिब्यूटरी है जेलम रिवर की. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए, ब्लैंक इज द मिडो इन खाक तहसील ऑफ बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड की. इसमें से कौन सा आंसर रहेगा, गुलमार्ग रहेगा, बग्याल रहेगा, तोसा मैदान रहेगा या सोनामार्ग रहेगा. कीजिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए. इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा, इज द मिडो इन खाक तहसील ऑफ बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड की, गुलमार्ग, बग्याल, तोसा मैदान या सोनामार्ग. सो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर रहेगा, 4 का आंसर रहने वाला है आपका आंसर सी, इसको बोलेंगे हम तोसा मैदान, इसका राइट आंसर, आंसर आपका सी बनेगा. क्वेश्चन नंबर ये आपका 4, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी जेकेएसएसबी के एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है. जे आप देख सकते हैं जब से जम्मू कश्मीर एक यूटी बनी है, तब से ये आपको एक क्वेश्चन जो है इसके चांसेस बहुत ज्यादा है वापिस से ये क्वेश्चन पूछा जाए. टोटल एरिया बताना है हम जम्मू कश्मीर यूटी का, टोटल एरिया कितना है, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, 43,241 स्क्वायर किलोमीटर, 44,241 स्क्वायर किलोमीटर या 45,241 स्क्वायर किलोमीटर. कीजिए इसका आंसर, टोटल एरिया बताना है हमने जम्मू कश्मीर यूटी का, सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी का टोटल एरिया बताना है, ठीक है. तो कीजिए इसका आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा ए, इसका टोटल एरिया जो है जे एंड के यूटी का वो है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर. जी क्वेश्चन जे के एस एस बी के एग्जाम में सिर्फ एक बार आया है पहले, तो चांसेस इसको आप देख सकते हैं, चांसेस इसके यही है कि क्वेश्चन एग्जाम में वापस से पूछा जा सकता है.
ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं जहां पे आपने बताना है इसमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है, कौन सा नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अनंतमपुर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या डाचीगम नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में बता दूं आपको, ये यूके के अंदर यानी कि यूके उत्तराखंड के अंदर। सेकेंड अनंतमपुर नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान के अंदर है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, फेमस नेशनल पार्क है असम का। और डाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आपका जेएंडके यूटी के अंदर है। ठीक है, जेएंडके यूटी, ये आप देख सकते हैं पहला उत्तराखंड के अंदर, दूसरा राजस्थान के अंदर, तीसरा आपका असम के अंदर और फोर्थ जो नेशनल पार्क है आपका जेएंडके यूटी। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, आंसर आपका बनेगा डी, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो डी डाचीगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, अब वापिस से आपको डाचीगम नेशनल पार्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से साल जो है डाचीगम को इस्टेब्लिश किया गया था एज अ नेशनल पार्क। ठीक है, डाचीगम नेशनल पार्क पहले आपने पढ़ा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर, बट इसको कौन से साल इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1981, 1982, 1983 या 1984। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका सीधा बनेगा आंसर ए, 1981 इसका राइट आंसर है, आंसर ए बनेगा, ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट कंसर्न स्पीशीज अकॉर्डिंग टू IUCN रेड डेटा बुक फाउंड इन जेएंडके। इसमें से आपने बतानी है कौन सी जो है लिस्ट कंसर्न स्पीशीज है, अगर हम बात करें IUCN रेड डेटा बुक के बारे के अकॉर्डिंगली जो कि पाई गई है जम्मू कश्मीर के अंदर। चीर फीजेंट है, चीरू है, गोल्डन ईगल है या वाइल्ड जॉक है, कि जिसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ये भी क्वेश्चन JKSSB के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा JKSSB के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहने वाला है वो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे सी, गोल्डन ईगल। ये आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कौन सी जो है लिस्ट कंसर्न स्पीशीज अकॉर्डिंग टू IUCN रेड डेटा बुक, आंसर जो आंसर आपका बनेगा गोल्डन ईगल, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए, व्हाट आर आहार्स, उसके बाद बूंदीस एंड खानदिन्स। अगर इसमें थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो उसके लिए माफ़ी, तो जी आप बताइए इसमें से क्या है जी, आहार, बूंदीस एंड खानदिन्स, ये क्या है, क्या जी आर्किटेक्चरल स्टाइल है, क्या जी ट्रेडिशनल फूड ऑफ नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, या वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है, या ट्रेडर इन कश्मीर वैली। ये क्वेश्चन भी JKSSB के एग्जाम में आया है, JKSSB के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कीजिए इसका आंसर, जरूर मैं आपको 5 से लेकर 10 सेकंड दूंगा जहां पे आंसर करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा वो आंसर बनेगा आपका सी, इसको बोलेंगे हम वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। ये जो आहार है, बूंदीज है या खानदिन्स है, ये एक वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में चांसेस हैं वापिस से पूछा जा सकता है। आप क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए आ गया वापिस से, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ बैंक ऑफ जेलम क्लोज ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन सा नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है नॉर्थ बैंक ऑफ जेलम, जो कि किसके क्लोज है, लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। काजीरंगा नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है या डाचीगम नेशनल पार्क है, कीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए, सो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका बनेगा जहां पे ए, काजीरंगा नेशनल पार्क। आंसर आपका क्या बनेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क इसका राइट आंसर है। हेमिस नेशनल पार्क आज की डेट में कहां पे है, हेमिस नेशनल पार्क आज की डेट में लद्दाख यूटी के अंदर है। ठीक है, और डाचीगम नेशनल पार्क आपको मैंने पहले भी बता दिया, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काजीरंगा नेशनल पार्क इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ बैंक ऑफ जेलम क्लोज ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए, किशन गंगा इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, इसमें से कौन सी रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, किशन गंगा रिवर, चिनाब, चंद्रा, जेलम या बागा, कीजिए इसका आंसर। आंसर कीजिए जल्दी से इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए, चिनाब, चंद्रा, जेलम या बागा। किशन गंगा किस रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, सो आंसर आपका बनेगा जहां पे आंसर सी, जेलम रिवर की, ये आंसर आपका क्या बनेगा, सी इसका राइट आंसर है। तो किशन गंगा किसकी रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जेलम इसका राइट आंसर बनेगा। किशन गंगा जो रिवर है जो ओरिजिनेट होती है कृष्ण सर लेक इन द विक्सिनिटी ऑफ सोनामार्ग, ये सोनामार्ग से ओरिजिनेट होती है, जो कि कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जेएंडके यूटी। ठीक है, आंसर आपका क्या बनेगा, 11 का आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12,
ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डल लेक जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, क्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। डल लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के, डोडा, श्रीनगर, बारामूला या मीरपुर, कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहने वाला है, आंसर आपका बनेगा बी, श्रीनगर के अंदर है। कौन सी लेक, डल लेक, आंसर आपका बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच आर द फॉलोइंग यूटी ऑफ इंडिया द मोंगरी केव श्राइन इज लोकेटेड। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया मोंगरी केव श्राइन के बारे में, जी कौन सी यूटी के अंदर है, मोंगरी केव कौन सी यूटी के अंदर है, क्या यूटी पुडुचेरी के अंदर है, क्या अंडमान निकोबार के अंदर है, यूटी ऑफ दमन एंड दीव के अंदर है, या यूटी ऑफ जेएंडके के अंदर है। ये क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जहां पे याद रखना है, जो मोंगरी केव श्राइन है ना, ये कहां पे है, जम्मू रीजन के अंदर, जम्मू डिवीजन के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसको बोलेंगे हम उधमपुर, जो उधमपुर के अंदर है। तो क्या ये पहला आंसर बनेगा, नहीं, सेकंड बनेगा, नहीं, थर्ड बनेगा, नहीं, उधमपुर कहाँ पे है, जेएंडके यूटी में, आंसर आपका सही बनेगा डी, बनेगा डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो मोंगरी केव श्राइन है कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, आंसर आपका बनेगा डी, यूटी ऑफ जेएंडके। तो मोंगरी केव श्राइन कहाँ पे है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए, कौन से साल जो है सुरिंसर मानसर लेक को डिक्लेयर किया गया था एज अ रामसर साइट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2005, 1999, 1985, 1965, कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए, कौन से साल सुरिंसर मानसर लेक को डिक्लेयर किया गया था एज अ रामसर साइट, 2005, 1999, 1985, 1965, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका रहेगा आंसर 2005। आप ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं कमेंट बॉक्स में, आप अपनी राय जो है जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर जो है जरूर बताइएगा, कितनी रामसर साइट्स हैं, हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन जम्मू कश्मीर यूटी, जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, इसमें से ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताना कि जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर, काराकोरम है, त्रिकुटा है, जसरोटा है, या थाजबस है, थाजबस। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा, आंसर आपका बनेगा जहां पे सी, जसरोटा। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहां पे लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर, ठीक है, ये का आपको याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि एग्जाम में पूछा गया, इसमें से कौन सा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जे रिवर जेलम के ऊपर बनाया गया, ठीक है, कीजिए इसका आंसर, जल्दी से आंसर करते जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन जेलम रिवर, कौन सा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो रिवर जेलम के ऊपर बनाया गया है, निम्मो बजगो, उड़ी सैकिन, सलार या डलहस्टी, कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर रहेगा वो आंसर आपका बनेगा जहां पे बी, उड़ी सैकिन। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, ये रिवर जेलम के ऊपर बनाया गया है, सो आंसर आपका बनेगा बी, बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, लेक गंगावाल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन, जो लेक गंगावाल है ये कौन सी माउंटेन में लोकेटेड है, लेक गंगावाल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन, कलोही, ब्रह्मा, जोजिला या हरमुख, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा आपका आंसर डी, हरमुख इसका राइट आंसर है, आंसर आपका क्या बनेगा, डी इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गंगावल लेक है इसको बोलते हैं हम हरमुख गंगा, एक इज एन अल्पाइन हाई अल्टीट्यूड ओलिगोट्रॉपिक जो है लेक है, जी कहाँ पे सिचुएटेड है, एट द फुट ऑफ माउंट हरमुख इन द बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर। ये थोड़ी सी शॉर्ट में एडिशनल जो है इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका जहाँ पे बनेगा आंसर डी, कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। इससे इसके बाद दो क्वेश्चन रह जाएंगे हमारे, जो रूपलंग आइलैंड है ये कौन सी लेक में है, रूपलंग आइलैंड, इन बिच लेक ऑफ जेंड की, मानसपल लेक, बुल्डर लेक, डल लेक या अंचर लेक, कीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए, द रूपलंग आइलैंड इज इन बिच ऑफ द इन बिच लेक्स ऑफ जेंड की, मानसपल, बुल्डर, डल या अंचर। सो 18 का आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका सी बनेगा, डल लेक इसका राइट आंसर है, आंसर आपका क्या बनेगा, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, जहां पे लिखा हुआ व्यूरी हार्डी, ये एक वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो व्यूरी जे हार्डी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में देख लेना, एक वैरायटी है, फ्रूट की वैरायटी है जी, जो कि कल्टीवेटेड की जाती है जेएंडके। आपने बताया कौन सी फ्रूट की वैरायटी है,
एप्पल की है, पियर की है, एप्रिकॉट की है या चेरी की है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर रहेगा? सो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, आंसर आपका बनेगा बी पियर। पियर इसका राइट आंसर है। ये किसकी वैरायटी है? पियर की वैरायटी है, इसका नाम है, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें से कीजिए आंसर। इसमें से कौन सा फोर्ट जो है बाबे वाली माता टेम्पल लोकेटेड इन J&K, बताइए। इन विच आर द फॉलोइंग फोर्ट इज द बाबे वाली माता टेम्पल लोकेटेड इन J&K, कौन से फोर्ट में जो है बाबे वाली माता टेम्पल जो है लोकेटेड है? J&K, JKSSP के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। अखनूर फोर्ट, भीमगढ़ फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट या बाहू फोर्ट? जितने भी जम्मू से बिलोंग करते हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाले हैं, वो आसानी से आंसर बता पाएंगे। इसका आंसर सीधा बनेगा आपका डी, बाहू फोर्ट इसका राइट आंसर है। आंसर क्या बनेगा आपका? 20 का आंसर आपका डी बनेगा, डी इसका राइट आंसर है। सो आंसर क्या बनेगा आपका? डी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो ज्योग्राफी ऑफ J&K के रिलेटेड। ज्योग्राफी ऑफ J&K की बात करें तो वो आपको हर एक एग्जाम में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप JKP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड की कर रहे हैं, या JKSSB की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि J&K ज्योग्राफी के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, ये इसलिए मैं आपको PYQ करवा रहा हूँ, PYQ और साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि J&K के अगर जो क्वेश्चन की बात करें, ज्योग्राफी ऑफ J&K के क्वेश्चन किस तरीके से JKSSB जो है एग्जाम में पूछती है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा वीडियो? अगर आप चाहते हैं सीरीज को कंटिन्यू करूँ, या 2 से लेकर 4 वीडियो मैं आपको ज्योग्राफी की आप J&K की और अपलोड करूँ, उसके बाद जो आपका जैसे मैं आपका प्रोसेस चला रहा हूँ सीरीज वाइज, जो है आपके टॉपिक वाइज वीडियोज हम अपलोड करते जाएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो आपके लिए लेके आएंगे, और साथ में जो PYQ होंगे पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के, वो भी मैं आपके लिए वीडियो जो है उसमें क्वेश्चन आपको उसमें क्वेश्चन ऐड करते रहेंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक साथ में और चीज मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कितनी रामसर साइट्स हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, ये आप मुझे अपने उन रामसर साइट्स के बारे में नाम लिख के जो है जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।